मध्य प्रदेश के सतनगरी वन परिक्षेत्र खाते गांव में अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को इको पर्यटन लिखा बोर्ड, कैप, टी शर्ट, ब्रोशर वितरण कर भ्रमण के लिए प्रस्थान करवाया गया। वन भ्रमण के दौरान मास्टर ट्रेनर ओपी जोशी द्वारा वन एवं वन्य प्राणियों के संबंध में सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को, कैंप में आए लोगों को इसकी विशेषताओं के संबंध में अवगत करवाया गया। इस दौरान अध्ययन दल प्रभारी रेंज ऑफिसर के एस सोलंकी ने बच्चों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने वनों की अवैध कटाई की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को समझाया। बच्चों ने इस संबंध में पर्यावरण को बचाने के लिए सुझाव दिए। इस मौके पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बच्चों द्वारा प्रश्न उत्तर का कार्य संपादन किया गया। इसमें बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार वितरण किया गया। बच्चों को अपने गंतव्य स्थल जाने के लिए गाड़ियों में सभी को सुरक्षित कर्मचारियों के साथ अपने अपने स्कूल में पहुंचाने की व्यवस्था की गई और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नागरिकों द्वारा विभाग को इसी प्रकार की अनुभूति कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इको पर्यटन विभाग एवं वन विभाग वन मंडल देवास का आभार व्यक्त किया। खातेगांव मध्य प्रदेश से संवाददाता अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। तो आगे जो भी प्रक्रिया वो फॉलो करेगा तो वो एसडीओ बनेगा। उसका सब्जेक्ट हमारा साइंस रहता है, मैथ्स रहता है, वो बायोलॉजी। ग्रेजुएशन चाहिए रेंजर बनने के लिए, एसडीओ बनने के लिए, वो फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए मैट्रिक 10वीं 12वीं, और उसके बाद हमारे पास तो अभी सब इंजीनियर, वो मैकेनिकल, वो वकील है और एसडीओ राजवन सेवा का कर्मचारी है। इनकी परीक्षा राजवन सेवा आयोग से होती है। वो रेंजर एसडीओ प्रमोशन से भी कुछ परसेंटेज विभाग ने फिक्स कर रखा, वो नीचे से फॉरेस्ट गार्ड से लगा के रेंजर एसडीओ तक पदोन्नत हो। एसडीओ से ऊपर जो भी पद है विभाग का, वन मंडलाधिकारी, डीएफओ, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक और सबसे है वन प्रमुख, प्रमुख हमारा जो भोपाल में, ये सारा भारतीय राज्य भारतीय वन सेवा का अधिकारी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मैं फॉरेस्ट गार्ड से रेंजर बना हूँ। मैं फॉरेस्ट गार्ड से रेंजर बन के रिटायर हो चुका हूँ। शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं वनों, वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं स्वयं अपने घर खेत में वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। वन एवं वन प्राणियों को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। मैं अपने घर, गांव, नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दूंगा एवं प्लास्टिक के उपयोग में कमी करने का वचन देता हूँ। जय हिंद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।